अब रियर से दोनों की लुक्स देख लो। अब मैं आपको वो चीज दिखाती हूँ जहाँ थार पूरी तरह से मात खाती है। भाई हट, मेरे को सीट फोल्ड करनी है, ऐसे चीप क्वालिटी इसमें नहीं लगेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे साथ में है महिंद्रा थार और दूसरी साइड जिमनी। भाई ये जो वीडियो है ना, सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो थी, हर कोई ये वीडियो देखना चाहता है। तो मैंने कहा भाई ये वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। तो कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो है दोनों के बीच में, दोनों में क्या क्या आपको डिफरेंसेस मिलते हैं सब कुछ डिटेल में कंपेयर करेंगे आज हम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोनों गाड़ियां एक बार देख लो, यहाँ पे थार खड़ी है, यहाँ पे जिमनी खड़ी है। यार मैंने पूरी कोशिश की कि स्टॉक थार अवेल करवा सके। देखो इसकी जो ग्रिल है और हेडलैम्प से, ये दोनों चीज़ें चेंज है, और ये तो वैसे भी कोई स्टॉक रखता ही नहीं है, बाकी कम्प्लीटली स्टॉक थार है। और यार सबसे पहले मेरे को देहरादून में गाड़ी अरेंज कराने के लिए पायल और हिमांशु दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। जिसमें जो पॉजिटिव है, जिसमें जो नेगेटिव है, मैं आपको एकदम अनबायस्ड होकर बताऊंगी। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना आपको पूरी एंड तक ग्रिल देखने को मिलती है और ग्रे कलर में है। इसके ऊपर आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है, सेंटर में सुजुकी का लोगो है, और इसके जो हेडलैम्प्स है ना कंप्लीटली राउंड है। इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ राउंड में मिलते हैं और फॉग लैंप्स भी राउंड है जो हेलोजन है, लेकिन इसके जो हेडलैम्प्स है ना वो एलईडी है। और एक बहुत अच्छी चीज है कि इसमें आपको ना हेडलैम्प वॉशर भी मिल जाता है। नीचे अगर आप इसका बंपर देखोगे, रफ ब्लैक कलर में बंपर मिल जाता है, रगेड सी फील एड करने के लिए। अब अपने थार पे आते हैं। अब थार की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी ग्रिल चेंज है। सबको पता है कि थार में स्टॉक ग्रिल कैसी आती है, वो कोई रखता ही नहीं है, हर कोई पहले चेंज करवाता है। अगर इसके हेडलैम्प्स की बात करूं तो वो भी चेंज है, बट टिपिकल राउंड हेडलैम्प्स ही आते हैं इसके अंदर, हेलोजन आते हैं, वेयर एज जिमनी में आप देखोगे तो उसमें आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको यहां पे प्लेस मिल जाते हैं। नीचे अगर आप यहां पे देखोगे तो फॉग लैंप भी इसमें हेलोजन ही आते हैं, बट यहां पे अभी चेंज करवाए हुए हैं, इसमें एलईडी डलवा रखे हैं। जिमनी में भी आपको हेलोजन फॉग लैंप्स ही मिलते हैं। इसका अगर आप बंपर देखेंगे ना तो सिल्वर और ब्लैक कलर का है, बहुत ही प्यारा सा बंपर है इसका, उसका फुल ब्लैक आता है, इसमें सिल्वर ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको। अब लुक्स की बात करूं ना तो दोनों की लुक्स अपनी अपनी जगह पे है। ये जो गाड़ी है बड़ी क्यूट सी, प्यारी सी, कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, वेयर एज थार एक बड़ी मस्कुलर सी, ब्रॉड सी गाड़ी है, गेड़ी वेड़ी मारने के लिए या फिर टोरे वाली गाड़ी है ना, तो वो थार है। अगर आपको कहीं से भी निकालने वाली गाड़ी चाहिए तो वो जिमनी है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों अलग अलग टाइप के लोगों के लिए। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो ग्रे कलर में है, सेंटर में सुजुकी का कैप आपको नजर आ रहा होगा। टायर सेक्शन की बात करें तो 195/80R15 का टायर सेक्शन मिल जाता है। इसमें आपको ब्रिजस्टोन के टायर मिलते हैं और जो कि ऑल टेरेन नहीं है। इसकी क्लैडिंग देख सकते हो, काफी चंकी क्लैडिंग है, काफी ज्यादा ब्रॉड है। इंडिकेटर यूनिट साइड वाली आपको यहां देखने को मिलती है। ORVM एकदम प्लेन है, इसके ऊपर आपको कोई टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता। ग्लॉसी फिनिश में आपको ORVM दिया गया है। एंड इसमें ना यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। हैंडल्स देख सकते हैं, कुछ ऐसे डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको। नीचे यहाँ वाली क्लैडिंग भी आपको रफ ब्लैक में ही देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक की बात करूं तो इसमें 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। एक चीज है मारुति की तरफ से ना, इसमें आपको ग्रीन टिंटेड ग्लासेस मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है गर्मी में, क्योंकि ना सनलाइट बहुत हद तक अंदर आने से बच जाती है तो आपको गर्मी फील नहीं होती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं ना तो इसमें आपको 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की गई है। जिमनी में एक बहुत अच्छी चीज है कि इसमें आपको 5-डोर ऑप्शन मिलता है। भाई ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि अगर 5-डोर नहीं मिलता ना तो एंट्री एग्जिट काफी मेस्ड अप हो जाती है, बार बार उतरना बार बार चढ़ना बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। ऑल्सो इसकी रूफ देखोगे ना, इसमें आपको मेटल रूफ मिलती है। थार की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये चीज बहुत अच्छी है कि इसमें आपको 18 इंच का टायर साइज मिलता है, वो भी ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं। कभी MRF के मिल जाते हैं, कभी C8 के मिल जाते हैं, तो वो चेंज होके आते रहते हैं। अलॉयज देख सकते हो, कुछ सिल्वर गन मेटल ग्रे सा कलर है इसके अलॉयज का, सिंपल सा डिजाइन है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी क्लैडिंग अगर देखोगे तो ये भी चंकी है, और इसके ऊपर ना टर्न इंडिकेटर आपको इसके ऊपर मिलता है, मतलब ORVM के ऊपर आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलता। रफ ब्लैक में आपको ORVM मिलता है, जिसके ऊपर थार आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और इसका डोर हैंडल देख सकते हो, आपको रफ ब्लैक में देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे ना आपको एंट्री एंड एग्जिट के लिए फुटस्टेप दिया गया है, क्योंकि थार काफी ऊंची है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं ना तो इसमें आपको 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। थार जो है ना वो 3-डोर ऑप्शन के अंदर आती है, तो भाई एंट्री एंड एग्जिट में थोड़ा सा आपको ना वो होता है कि आपको पहले सीट फोल्ड करनी पड़ेगी। उधर साइड से अगर आपको चढ़ना है, को ड्राइवर वाली जो सीट है उसको फोल्ड करो, फिर अंदर चढ़ो, उतरना है तो सेम आपको फोल्ड करना है, फिर वापस उतरना है, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं रहता है। वेयर एज जिमनी में आपको 5-डोर मिलता है, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और एक चीज, इसमें आपको टिंटेड ग्लासेस नहीं मिलते, ये ओनर ने करवाए हुए हैं। इसमें ना आपको रूफ कैरियर नहीं मिलता, ये एसेसरी का पार्ट है, ओनर ने बाद में लगवाया। ऑल्सो इसकी जो रूफ है ना वो आपको फाइबर या प्लास्टिक में देखने को मिलती है, वेयर एज जिमनी की देखोगे तो आपको मेटल में मिलती है। इसमें ना आपको 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 17 लीटर ज्यादा कैपेसिटी का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल जाता है।
इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, तीनों ही चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। वाइपर देख सकते हो यहाँ पे छुपा हुआ है। एंड इसका जो स्पेयर टायर है वो यहाँ पे माउंटेड है, सेम ही ब्रांड का, सेम ही डायमेंशन का स्पेयर टायर मिलता है। एंड इसका यहाँ पे एक कवर मिल जाता है जी वैगन जैसा। और इसमें ना आपको एक रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है कंपनी से ही, जो कुछ यहाँ पे प्लेस आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा। इसके टेल लैंप्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप इसके टेल लैंप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रियर इंडिकेटर की यूनिट मिलती है और यहाँ पे रिवर्स लाइट मिल जाती है। यहाँ पे अगर देखेंगे जिमनी की बैजिंग मिल जाती है। इसमें आपको पीछे भी एक रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया, ये रहा। एंड इसमें ना आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, दो इधर है और दो यहाँ पे है। और ये जो स्पेयर व्हील है ना, ये स्टील रिम में ही है। थार की एयर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो जो स्पाइडर है ये कस्टमर ने बाद में लगवाया है, जिनकी ये थार है ये आपको लगा हुआ नहीं मिलता है। एंड थार में ना आपको पांचों के पांचों अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसमें कोई स्टील रिम नहीं मिलता, सेम ही टायर मिलता है, सेम ही साइज मिलता है और अलॉयज भी मिलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। देन इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाइपर एंड वॉशर इसमें नहीं आता है, डिफॉगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और इसमें ना रियर पार्किंग कैमरा भी नहीं मिलता है, ये जो आपको लगा हुआ दिख रहा है ये ऑनर ने बाद में लगवाया है। एंड इसमें आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आप देख सकते हैं। देन इसके टेल लैंप्स कुछ ऐसे डिजाइन के मिलते हैं जिसके सेंटर में आपको थार लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता है आपको। एक बार ना आप रियर से दोनों की लुक्स देख लो कैसी लगती है। यार थार ना काफी ज्यादा बड़ी लग रही है वैसे। अब मैं आपको वो चीज दिखाती हूँ जहाँ थार पूरी तरह से मात खाती है। सबसे पहले तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा खोलोगे तो खुद ही चला जाता है पीछे, अच्छी बात है। अब जहाँ थार मात खाती है वो है बूट स्पेस में। इसमें आपको 219 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है, देख सकते हो। एक छोटा ये वाला बैग है, एक ये पड़ा हुआ है और दो ढाई बैग के करीब यहाँ पे और आ जाएंगे, तो 4.5 बैग यहाँ पे आराम से आ जाएंगे अगर आपने सीट्स फोल्ड नहीं कर रखी है तो। और यहाँ पे देखो आपको लगेज लैंप भी मिल जाता है और नीचे आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। और अगर मान लो आप सिर्फ दो लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप बड़ी आसानी से इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, उसके बाद बहुत ही सारा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जितना सामान रखना चाहो कैंपिंग वैम्पिंग का या जितना भी खाने पीने का, साथ में लगेज वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ आप यहाँ पे आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब थार पे आ जाते हैं तो ये देखो, पहले तो ये ऐसे ओपन होगा, उसके बाद ये जो ऊपर वाला ग्लास है उसको ऐसे ओपन करना होता है। बाय द वे इसमें भी हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं आपको। तो बूट स्पेस में तो यार देखो थार बिल्कुल मात खाती है, क्योंकि ये देख लो यहाँ पे एक सबवूफर है, बस वो रखवाया हुआ है, एक छोटा सा बैग यहाँ और आ जाएगा और कुछ भी यहाँ पे आना नामुमकिन सी बात है। तो भाई बूट स्पेस तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज है। जिमनी के ड्राइवर साइड डोर के बारे में बात करें तो ऑल ब्लैक डोर आपको देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे डोर हैंडल क्रोम में मिल जाता है एंड यहाँ एक ग्रैब हैंडल मिलता है। नीचे यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ा सामान रखने की जगह मिल जाती है, बट इसके अंदर बॉटल होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। थार के ड्राइवर साइड डोर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको ऑल ब्लैक डोर ही देखने को मिलता है, जिसके ऊपर यहाँ सिल्वर में थार की बैजिंग मिल जाती है। जो डोर हैंडल है वो भी आपको मैट ब्लैक में ही मिलता है, ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड नीचे आपको यहाँ पे ना एक बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे और स्टोर कर सकते हैं। स्पीकर वगैरह आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, बस आप आगे पीछे कर सकते हो और रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, क्योंकि इसमें हेडलैम्प वॉशर मिलता है उसका कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। और ये वाला जो बटन है ऑटो ऑफ का बटन है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो कि थार में नहीं आता, वो जाके वहाँ पे आपको बाद में दिखा दूंगी। और यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो जिमनी में आपको यहाँ पे मिलेंगे, गेट पे कहीं पे भी माउंटेड नहीं है, वेयर एज थार में मैंने आपको दिखाया था कि जो ORVM के कंट्रोल है वो डोर पे माउंटेड है। तो अब मैं जिमनी के कैबिन में आके बैठ गई हूँ, यहाँ पे आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेम ग्रैंड विटारा वाला स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक में लेदर रैप्ड है एंड इसमें ना आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट ही मिलती है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको ऑफर नहीं की गई है। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, क्रोम की फिनिश मिल जाती है। लेफ्ट साइड में देखोगे तो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे कॉल रिलेटेड कंट्रोल्स हैं एंड यहाँ राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल है। लेफ्ट साइड पे इधर देखोगे तो यहाँ वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, राइट साइड पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे ना आपको एक प्रॉपर जिप्सी या वो रगेड फील वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, ऑरेंज लाइट्स आपको नजर आ रही होगी, RPM मीटर, स्पीडोमीटर दोनों ही आपको एनालॉग में देखने को मिलता है। सेंटर में ना आपको एक मिनी डिस्प्ले मिल जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको गियर नजर आ रहा होगा, गाड़ी में कितना फ्यूल है वो भी आप देख सकते हो, टेम्परेचर, टाइम वगैरह सब चीजें आपको नजर आ रही होगी। यहाँ सेंटर में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अभी 6.2 की दिखा रहा है, गाड़ी बड़ी देर से खड़ी है, मैं शूट कर रही हूँ और AC भी चल रहा है तो इस कारण माइलेज ड्रॉप होती है। और यहाँ से ना आपको इसके कंट्रोल मिल जाते हैं, एक डूडल सा मिल जाता है, इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे रेंज आप देख सकते हैं, एवरेज स्पीड आपको नजर आ रही होगी, ड्राइविंग टाइम, इसमें जितनी भी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको सब की सब मिल जाती है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं। भाई अब इसकी आप सीट देख सकते हैं, ऑल ब्लैक सीट मिलती है आपको, जिसके सेंटर में आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, फैब्रिक सीट्स है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। भाई मेरे को फैब्रिक सीट्स हमेशा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, वो अलग बात है, लेदर सीट्स हमेशा ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। देन यहाँ पे आपको जो हेड रेस्ट दिया गया है वो एडजस्टेबल है। और इसका अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे ना, पूरा का पूरा प्लास्टिक में मिलता है, राउंड में आपको यहाँ पे AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं एंड
यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है टिपिकल जीप वाली फील के लिए। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, मैंने वॉच रख रखी है, फोन वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक से साइज का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही वर्क करता है। बाकी सारी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नजर आ रही होगी, जैसे यहाँ पे एवरेज देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं। इसके अलावा इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूँ ना तो इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा अच्छा है। चिमनी में ना आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है जिसके सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे यहाँ टॉगल कंट्रोल्स में देखेंगे ना तो ये वाले जो दोनों है ना ये पावर विंडो के कंट्रोल है, ये ड्राइवर साइड का है जो कम्प्लीटली ऑटो है। एंड ये जो को ड्राइवर साइड वाला देख रहे हो ना ये ऑटो अप है, ऑटो डाउन नहीं है। ये है ट्रैक्शन ऑफ के लिए और ये हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए। अभी मैंने यहाँ पे माइक रखा हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। फोन रख सकते हैं क्योंकि स्लोपिंग है तो कोई भी चीज गिरेगी नहीं यहाँ से। यहाँ पे आपको एक यूएसबी की कनेक्टिविटी मिल जाती है। दूसरी साइड आपको यहाँ 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है जिसमें मैंने चार्जर कनेक्ट करा हुआ है। एंड अगर आप देखोगे ना तो ये एसी के कंट्रोल्स की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, आपको ऐसे चीप क्वालिटी इसमें नहीं लगेगी। देन जिमनी में आपको 2 ट्रांसमिशन मिलते हैं, जैसे ये वाला है ऑटोमेटिक तो 4 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन। एंड क्योंकि एक प्रॉपर 4x4 ऑफ रोडर है तो यहाँ पे आपको 4 हाई 4 लो और 2 हाई ये तीनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। 2 हाई पे तो हमेशा रहती है, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको पीछे वाली 2 पावर विंडो के कंट्रोल सेंटर में मिलते हैं, फ्रंट वाले आपको यहाँ मिलते हैं और पीछे वाले दोनों सेंटर में मिल जाते हैं। इसके सनशेड की बात करूं तो उसके ऊपर आपको यहाँ वैनिटी मिरर मिल जाता है। को ड्राइवर साइड भी आपको सनशेड के ऊपर वैनिटी मिरर मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको जो IRVM दिया गया है डे नाइट वाला है, ऑटो डिमिंग IRVM इसमें नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आपको जो लाइट्स दी गई है वो भी हेलोजन है। इसके ड्राइवर साइड सीट की बात करूं तो इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, मैनुअल मिलती है, बट मिलती है ये अच्छी चीज है। बाकी रिक्लाइन एंगल और आगे पीछे करना ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो मिलती ही है। और एक चीज है, इसकी जो हाइट है वो ज्यादा ऊंची है तो इसमें चढ़ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि आपको फुटस्टेप चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है और यहाँ पे आपको सारे MID के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब जिमनी में आपने देखा हो ना तो आपको प्रेस करने वाले डूडल से मिलते हैं, ऐसे बटन कंट्रोल्स नहीं मिलते, तो ये अच्छी चीज है। देन यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। अब जो अपडेटेड थार आ रही है ना उसमें ट्रैक्शन ऑफ वाला और हिल डिसेंट कंट्रोल वाला बटन आपको यहाँ टॉगल्स में ही देखने को मिलता है। तो मैं थार की कैबिन में आके बैठ गई हूँ, आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो। उसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है। यहाँ पे बैठने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से चाबी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, तो ये एक चीज है। बाकी इंफोटेनमेंट और क्रूज कंट्रोल तो सेम ही है और इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। मैंने आपको बोला था डोर पे कोई भी स्पीकर नहीं मिलता क्योंकि इसका जो स्पीकर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो थोड़ा सा मॉडर्न लगता है आपको, वेयर एज अगर आप जिमनी का देखोगे ना उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ही रगेड सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अब भाई स्टीयरिंग व्हील उसका ज्यादा मॉडर्न था और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका ज्यादा मॉडर्न है। आप देख सकते हो RPM मीटर स्पीडोमीटर आपको यहाँ एनालॉग नजर आ ही रहा होगा, सेंटर में आपको डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें सारी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और एक चीज है इसमें आपको एक्स्ट्रा TPMS भी मिल जाता है। सीट्स आप देख सकते हैं इसकी काफी ब्रॉड सिटिंग है और काफी होल्ड करके रखने वाली है। अभी ये जो आप सीट कवर्स देख रहे हो ये कंपनी से नहीं आते, एसेसरी का पार्ट है, परचेज करने पड़ते हैं। फैब्रिक और लेदर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ये कंप्लीट लेदर में है जो एसेसरी वाले हैं। एंड इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है। इसमें ना आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, जिमनी में भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, उसमें भी मिल जाते हैं। और 2 पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं आगे वाले, जो कि उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इसकी पीछे वाली विंडोज तो खुलती ही नहीं है तो सिर्फ 2 ही पावर विंडोज आती है इसके अंदर। और इसमें भी आपको 4x4 का ऑप्शन मिलता है तो सबसे पहले तो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल और 4 लो सारे की सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। और अगर आप ये वाला पैनल देखेंगे तो इसका जो ग्लव बॉक्स है छोटू सा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ मिलता है। जिमनी का जो ग्लव बॉक्स है उसका साइज ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको एक स्पीकर की यूनिट मिल जाती है और ग्रैब हैंडल ऐसा आपको वहाँ जिमनी में भी देखने को मिलता है। और जो जिमनी के AC वेंट्स है वो भी आपको राउंड ही मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको प्लास्टिक ही मिलता है, जिमनी में भी प्लास्टिक ही मिलता है। इन्फोटेनमेंट की बात करें तो थार में आपको 7 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिमनी में आपको 9 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। जिमनी वाला ना मुझे इसके कंपेरिजन में ज्यादा मॉडर्न लगा। उसके सारे के सारे कंट्रोल्स भी आपको टच में मिलते हैं, इसमें यहाँ पे आपको बटन कंट्रोल्स मिलते हैं। देन इसके आप AC वेंट्स देख सकते हैं टिपिकल राउंड, ये तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। थार में यहाँ पे ना आपको ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता, जिमनी में मिलता है। नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 USB की कनेक्टिविटी मिल जाती है, एक ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाती है। थार के सनशेड अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपको एक सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाता है। दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो IRVM मिलता है वो भी आपको डे नाइट वाला ही मिलता है। ऑटो डिमिंग इसमें भी नहीं मिलता, ऑटो डिमिंग उसमें भी नहीं मिलता है। थार की जो रूफ है ना वो आपको पूरी की पूरी प्लास्टिक में देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे एक कैबिन लाइट मिलती है देख सकते हो, जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है। थार में आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं और जो ट्विटर्स मिलते हैं, स्पीकर्स आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे यहाँ पे मिल जाते हैं रूफ के ऊपर और ट्विटर सेंटर में यहाँ प्लेस्ड है। एक अच्छी चीज है यहाँ जो लाइट्स दी गई ना ये LED है। ये है जिमनी की सेकंड रो। अगर मुझे जिमनी की सेकंड रो में बैठना है, ऐसे डोर खोला और आराम से जाके मैं बैठ सकता
सकती हूँ, मुझे आगे वाले को ना ऐसे परेशान नहीं करना पड़ेगा, भाई हट, मेरे को सीट फोल्ड करनी है, अंदर जाना है, तो ये एक बहुत कन्वीनियंट चीज़ हो जाती है। तो अब इसकी सेकेंड रो में आके बैठ गई हूँ, तो जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरी हाइट 5'8" के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, एंड देख सकते हैं नीरूम यहाँ पे अच्छा है, नीरूम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट सा है, रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने के बाद आपको सही फील होएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टिफ फील होएगा, और हेडरूम तो अच्छा है ही, एंड आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और ये प्रॉपर 4-सीटर गाड़ी है, 4 लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम काफ़ी ज़्यादा है ऊपर, और 2 कप होल्डर यहाँ मिल जाते हैं जो आप आगे से भी एक्सेस कर सकते हैं, पीछे से भी, तो मतलब आपको ना बारी बारी से लेके अपनी ड्रिंक यहाँ पे रखनी पड़ेगी। और कैबिन लाइट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक कैबिन लाइट मिलती है, हेलोजन है, आगे भी एक कैबिन लाइट मिलती है, दोनों की दोनों हेलोजन में ही मिलती है आपको, और इसमें ना आपको कोई भी रियर एसी नहीं मिलता है, और रियर में ना आपको एक एक्स्ट्रा पावर विंडो भी मिल जाती है, क्योंकि इसमें 2 डोर्स भी एक्स्ट्रा है, और इसके पावर विंडो के कंट्रोल देखो कुछ ऐसे हैं। अब अगर मुझे थार की सेकंड रो पे बैठना है तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे पूरा ऐसे पुश करके आगे करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके मैं पीछे बैठ सकती हूँ, और आगे कोई बंदा बैठा है तो उसको पहले नीचे उतारो कि भाई तू उतर ताकि मैं पीछे जा सकूँ। सो मैं इसकी सेकंड रो पे आके बैठ गई हूँ, और जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरी हाइट 5'8" के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, आप देख सकते हो नीरूम आपको कुछ इतना मिल जाता है, एंड अंडर थाई सपोर्ट आपको ठीक ठाक सा मिल जाता है, हेडरूम यहाँ पे काफ़ी अच्छा है क्योंकि थार काफ़ी ऊंची भी है, और रिक्लाइन एंगल की बात करूँ ना तो रिक्लाइन एंगल पूरा पीछे तक आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे सीट की ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ ना तो सीट कंफर्टेबल है, बट यार क्योंकि आपको पीछे कोई भी ग्लासेस नहीं मिलते और थार 3 डोर में आती है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, वो एक प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लैक है, रूफ भी ब्लैक है, और उसके ऊपर से प्लास्टिक है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी एक्स्ट्रा हो जाती है। पर एक चीज़ है, मुझे इसका रिक्लाइन एंगल यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये जिमनी से काफ़ी अच्छा है। अब भाई जो मेन मुद्दा है ना डिस्कशन का, इसकी डायमेंशन, इसकी नहीं इन दोनों की डायमेंशन वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं, तो इसकी जो विड्थ है वो है 1645 mm की, वेयर एज जो थार की विड्थ है वो है 1855 mm की, तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों की विड्थ में। हाइट की बात करें तो जो जिमनी की हाइट है वो है 1720 mm की, और थार देख लो भाई इससे 200 mm ऊंची है। अब इनकी लेंथ की बात करूं तो दोनों की लेंथ एकदम सिमिलर है, 3985 mm। अब जिमनी 5 डोर है ना, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि शायद जिमनी लंबी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों की लेंथ एकदम सिमिलर है। सेम लेंथ की होने के बावजूद ये 5 डोर ऑप्शन के साथ आती है और इतना बड़ा बूट स्पेस भी मिल जाता है, उसका रीजन ये है कि इसका जो व्हील बेस है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें आपको 2590 mm का व्हील बेस मिलता है, वेयर एज थार में आपको 2450 mm का व्हील बेस मिलता है। अब अप्रोच एंगल की बात करूं तो थार में आपको 41.2 degree का अप्रोच एंगल मिलता है और जिमनी में 36 degree का। अब रैंप ओवर एंगल की बात करूं तो थार में आपको 26.2 degree का रैंप ओवर एंगल मिलता है और जिमनी में 24 degree का। अब डिपार्चर एंगल की बात करूं तो थार में आपको 36 degree का डिपार्चर एंगल मिलता है, वेयर एज जिमनी में ना पहले 50 degree का डिपार्चर एंगल क्लेम किया था, लेकिन बाद में ना मारुति ने उसको 47 degree कर दिया था। वही जिमनी और थार की दोनों की चाबियां देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना महिंद्रा का नया वाला लोगो मिल जाता है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, हमेशा वाली सुजुकी की चाबी है ये, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, इसमें भी आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, और साथ में आप ये बटन प्रेस करके रखोगे ना तो ये शोर भी करती है और साथ में इंडिकेटर्स भी ऑन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है इंजन ऑप्शन, जिमनी में ना आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है 1.5 liter पेट्रोल इंजन, बट थार में आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये ना दोनों टाइप्स ऑफ बायर्स के लिए। तो भाई ये था आज का जिमनी वर्सेस थार का कंपैरिजन, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलती हूं अगली वीडियो में, बाय बाय।